नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। कैसे हैं सभी? बिहार की तरफ से लगातार खुशखबरी का सिलसिला जारी है और अभी जो आप लोगों को सुनाई में दे रहा था कि कक्षा 6 से लेके 12 तक 70,000 वैकेंसीज आने वाली हैं, वो बिल्कुल तैयार है और आपको कभी भी परोसी जा सकती हैं। हालांकि ये पद 70,000 से बढ़ के 1,00,000 जा सकते हैं और इसके बारे में एक एक पुष्टि करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। इस सेशन में आपको मैं सब कुछ बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ। अगर आप चैनल पे नए हो और बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, वीडियो लास्ट तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक अवश्य करिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य करिएगा। 70,000 पद होंगे या 1,00,000, सबसे पहली बात हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। आवेदन कब से है, एग्जाम डेट कब से है, इसका रिजल्ट कब आ जाएगा, ये तीनों पॉइंट मैं इसलिए लिखा हूं क्योंकि इसमें बिल्कुल समय नहीं लगने वाला है। आपने बिहार में शिक्षक भर्ती का फेज वन देखा था जो 1,70,000 की वैकेंसी लगभग आई थी। 70,000 वैकेंसीज ये भी हैं बट ये बढ़ के लगभग 1,00,000 आएंगी क्योंकि वहां पे 1,70,000 सही मायने में 1,50,000 हो गई होंगी और वो 1,00,000 यहाँ के 70,000 यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 1,00,000 से ज़्यादा हो जाएंगे। तो क्योंकि वहाँ पे क्या थे, जितने पद थे उतने आवेदन ही नहीं हुए थे और वहाँ पे क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने एस्टेट ही नहीं निकाल रखे थे, फॉर्म ही कम पड़े थे और यहाँ पे बच्चों के पास एस्टेट हैं, हो सकता है कि अब यहाँ पे फॉर्म के जो वैकेंसी हैं वो भी क्या हो, बढ़ के आए क्योंकि वो वैकेंसी यहाँ पे जोड़ दी जाएंगी। तो ये रही आपकी 70,000, तो नहीं 70,000 से ज़्यादा ही रहेंगी, मिनिमम तो आपके पास 70,000 हैं लेकिन 70,000 से ज़्यादा बढ़ के आएंगी और ये लगभग 1,00,000 पद होंगे। 6 से 12 में 31,000 लगभग पद आपके केवल 6 से 8 के बीच में और बाकी 18,000 पद आपके 9 से 10 और 11 से 12 के बीच में और ये बहुत ज़्यादा पद होते हैं जब आपकी इस लेवल पे होती, किसी राज्य में भी इतने पद जल्दी नहीं आते हैं। कौन भर सकता है फॉर्म, इसकी डिटेल जानकारी आपको आशीष सर ने भी एक वीडियो में दिया था, हम लोग भी इसकी अलग से भी सेशन लेके आ जाएंगे। अभी आप लोग बीएड वाले तो इसमें एलिजिबल है ही हो, बाकी सारे जो उसमें थे वो सारे के सारे लोग इसमें तो एलिजिबल है ही हो। तैयारी इसकी प्रारंभ, टीम परीक्षा प्लस बहुत ही बेहतरीन बैच लेके आ रही है तो ये इस बैच के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी अलग से वीडियो में दी जाएगी, कैसे आपको तैयारी करना है और खासकर 6 से 12 के बच्चे जो हैं, क्योंकि जो आपका सिलेबस एग्जाम पैटर्न रहने वाला है वो लगभग लगभग आपका क्या रहेगा, जैसे इन्होंने प्राथमिक वाले का और 9 से 10 और 11 से 12 का निकाला था लगभग उसी पैटर्न पे रहेगा। 120 प्रश्न वाले का पहला आपका क्या रहेगा, लैंग्वेज रहेगा 100 प्रश्न का और 120 आपका ये रहेगा, जिसमें चांसेस ये है कि जो 6 से 12 की अगर बात किया जाए तो 40 क्वेश्चन हो सकता है आपका, जो 80 और 40 के पार्ट में करें, 40 आपका जनरल नॉलेज वाली बात कर दे जिसमें मैथ्स साइंस और बाकी चीज़ें पूछ लें और 80 में आपका अगर आप साइंस से हो तो साइंस और मैथ्स पूछ लेंगे और आप आर्ट से हो तो आपका क्या पूछ लेंगे, आपके सोशल साइंस के विषय पूछ सकते हैं। तो उस प्रकार से पैटर्न बनेगा, 100 आपका भाषा जो आपका क्वालिफाइंग होगा, है ना, यहाँ पे मैं एक ब्रीफिंग कर दे रहा हूँ, 100 क्वेश्चन आपका जो भाषा होगा ये क्वालिफाइंग होगा जिसमें 25 और 75 का रेशियो होगा, 25 आपका इंग्लिश कंपलसरी होगा और 75 आपका हिंदी उर्दू, इनमें से आपको चूज करना पड़ेगा, दोनों मिला के आपको 30 नंबर लाना रहेगा। दूसरा आपका क्या रहेगा, दूसरा आपका 120 क्वेश्चन रहेगा, इसमें भी आपका 80 और 40 का पार्ट रहेगा, 40 आपका जनरल पार्ट रहेगा, सामान्य पार्ट रहेगा जिसमें आपका मैथ्स रीजनिंग साइंस सब कुछ पूछेगा, सोशल साइंस वगैरह, और 80 आपका पार्ट रहेगा, 80 पार्ट ये रहेगा जिसमें आपका क्या रहेगा, साइंस और मैथ्स ये वाले अलग रहेंगे और आर्ट वाले अलग रहेंगे। तो इस प्रकार से आपका पैटर्न रहेगा। जय है संपूर्ण जानकारी, उसको मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ। यहाँ पे एक कटिंग आपने देखा होगा, 70,000 शिक्षकों की रिक्त इसी सप्ताह 15 दिन में आएगी वैकेंसी। तो सबसे बड़ी बात है कि अब ये वैकेंसीज कब आ रही है, लोग 70,000 बोल रहे हैं लेकिन मैं आपको 1,00,000 बोल के चल रहा हूँ पहले ही, तो 1,00,000 पद पे आप मान के चलेगा कि ये वैकेंसीज आ रही हैं। और ये इनके अगर मैं डेट की बात करूँ तो ये कब आएंगे, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे लिखते चलना, समझते हुए चलना कि जो इसकी एग्जाम की डेट क्या, नोटिफिकेशन की डेट की अगर मैं बात करूँ तो नोटिफिकेशन आपका अगले ही सप्ताह आने वाला है। मतलब कि ये जो आपका कौन सा चल रहा है अभी, आपका 10 से लेके 15 अक्टूबर के बीच में कभी भी आपका क्या हो सकता है, इसका नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी मिल सकती है इसकी, क्योंकि सारी की सारी चीजें इसमें क्या कर दिया गया है, इसकी जानकारी एकत्रित कर ली गई है, सारे जो हो सकते हैं वो सारे इकट्ठा कर लिए गए हैं जितनी भी जानकारी है। तो 15 दिन में इसकी वैकेंसीज आ सकती है, इस मान को चलो यहाँ पे 10 से 15 अक्टूबर में सारी चीज़ें इनके पास कलेक्ट हो जाएंगी और इस प्रकार से अक्टूबर के लास्ट, कहाँ तक मान सकते हो कि अक्टूबर लास्ट से पहले पहले ये क्या हो जाएगी, आपकी वैकेंसी
आ जाएगी। और अगर अक्टूबर में वैकेंसीज आ जाएंगी तो इसका पेपर में ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि इन्होंने बोला है कि हम नवंबर में पेपर करा के दिसंबर में रिजल्ट भी दे देंगे। आपने देखा भी होगा कि बिहार बहुत तेजी से चल रहा है, फेज वन का भी एग्जाम कितना जल्दी कराया, उसके बाद देखा जाए तो फिर भी फेज वन में समय मिल गया था क्योंकि उनको बहुत सारे कार्य पहले से करने थे, बट फेज टू में ज्यादा समय नहीं मिलेगा क्योंकि उनको सारी चीजें तैयार हैं पहले से। उसके आप देखेंगे बिहार की पुलिस की बात करें या बीएसएससी की बात करें, किसी में वो समय नहीं दे रहे हैं, इस कारण से इसमें भी समय नहीं होगा। और इसमें भी आप यही पढ़ेंगे, कक्षा 6 से 12 तक 70,000 तक भर्ती की वैकेंसी शिक्षा विभाग इसी सप्ताह बीपीएससी को भेजेगा। माना जा रहा है कि नई नियमावली के तहत दूसरे चरण में शिक्षकों की जो भर्ती है ये आपका क्या आ जाएगा, ये पखवाड़े के अंदर जारी की जाएगी। इसी के जानकारी के अनुसार जिलों से आरक्षण रोस्टर के हिसाब से मिली रिक्ति को शिक्षा विभाग कंपाइल कर रहा है। विभाग श्रेणी और विषयवार रिक्ति की गणना कर सामान्य प्रशासन विभाग को माध्यम से इसे बीपीएससी को भेज देगा। कब भेज देगा, ये 6 से 10 से 15 के बीच में ये सारी कार्यवाही हो जाएगी और इसके बाद बीपीएससी का काम आएगा। और बीपीएससी क्या कर देगा, यहाँ पे नोटिफिकेशन कर देगा, परीक्षा की तैयारी के लिए समय नहीं मिलेगा बोल दिया गया। द्वितीय चरण में शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा की तैयारी के लिए आयोग का लक्ष्य है कि नवंबर अंत तक या 15 दिसंबर तक परीक्षा लेकर दिसंबर अंत तक रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। हालांकि ये तो बोलते हैं बट हकीकत ये है कि अगर ये नवंबर लास्ट या दिसंबर मान के चल रहे हैं तो ये आप मान के चलो कि मैक्सिमम अगर पेपर की डेट होगी तो दिसंबर लास्ट है ना, ये रिजल्ट दिसंबर लास्ट तक रिजल्ट की बात कर रहे हैं, बट एक बार आपका पेपर हो जाता है तो एक महीना तक उसके रिजल्ट की प्रक्रिया चलती ही रहती है, क्योंकि आंसर की देंगे, उसमें कुछ क्लेम होगा, उसे सुधारेंगे और फिर जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आपका जनवरी तक जाएगा। हालांकि ये भी इसमें प्रक्रिया ज्यादा समय नहीं लगेगा, बट आपके लिए फोकस ये है कि आपका पेपर हार्डली दिसंबर मैक्सिमम जा सकता है, इससे आगे नहीं जाएगा। तो आपके पास अक्टूबर बचा है 20 दिन, इधर नवंबर पूरा बचा हुआ है और दिसंबर जितना मिल जाए आपको, कहने का मतलब 70 से 75 दिन आपको आराम से मिलेंगे। लग जाइए इसमें, बिल्कुल आप ढिलाई मत करिए, जो आपका सब्जेक्ट है वो पढ़ना स्टार्ट कर दिए, जो कॉमन सब्जेक्ट है वो पढ़ना स्टार्ट करिए। फेज वन में पेपर हुए उससे आप हेल्प ले लीजिए, लगभग पेपर उसी स्तर का बनेगा और अच्छा खासा बनेगा। मैं फिर से बोल दूं कि कॉमन पार्ट वाले में भी साइंस रीजनिंग का पार्ट ज्यादा रहेगा, और जिसकी बात किया जाए कि जो आपके सब्जेक्ट के पार्ट है तो सब्जेक्ट को आपको अपना एससीईआरटी और एनसीईआरटी को क्या मान के, एक स्टैंडर्ड मान के अपनी तैयारी करना है। बाकी टीम परीक्षा प्लस इसका बहुत जल्दी बैच लेके आएगी और आपको उसके बारे में सूचित भी आ जाएगा। इसकी जानकारी के लिए आप परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड कर लीजिए, परीक्षा प्लस जो यूट्यूब चैनल है यहाँ पे आप वीडियो देख रहे हैं इसे क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। एक छोटी सी जानकारी लास्ट में मैं जाते जाते इतना आपको बता दूं कि जो पेज वन का था उसका लगभग सारा काम हो चुका है, उसका रिजल्ट भी आना है, क्योंकि यहाँ पे देखो 15/10/2023 को अभ्यर्थी के लिए और भी जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं शिक्षा विभाग ने बिहार का ये जारी कर दिया गया है कि यहाँ पे क्या होनी है, यहाँ पे उन लोग को बुलाया गया है और कार्यक्रम का रोस्टर भी जारी कर दिया गया है। उच्च माध्यमिक कक्षा 11 से 12 के लिए 15 को बुलाया गया है, 16 से ये एक पूरी डिटेल आ जाएगी क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना है, सब कुछ लेके जाना है। ये टीआरई फेज वन के लिए आप यहां पे देख सकते हो 26/2023 के आलोक में आयोजित अध्यापक नियुक्ति परीक्षा 2023 में सफल एवं आयोग द्वारा विभिन्न कोटि के अध्यापक पदों पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित अभ्यर्थियों संबंधित जिला शिक्षक पदाधिकारियों एवं अन्य संबद्ध पदाधिकारियों कर्मियों को सूचित किया जाता है कि निम्नांकित विवरण के अनुसार निर्धारित तिथियों को वर्गवार एवं विषयवार अनुशंसित अभ्यर्थी अपने अपने आवंटित जिले के जिला शिक्षक पदाधिकारी कार्यालय तथा उनके द्वारा विनिर्देश स्थान पर योगदान पहुंचे। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी कि आपको कहाँ पे जाना है और आपको नीचे एक संलग्न किया जाएगा कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लेके जाने, वो लेके आपको 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 यहाँ पे लेके क्या करना है, अपने जिला उपस्थित होना है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन तैयारी फेज वन के लिए था, फेज टू के भी वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली, तैयारी एकदम स्टार्ट करिए। चलिए आज के सेशन में बस इतना ही, फिर मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।